खरंजे के विवाद में गांव के दबंगों पर फायरिंग करने का आरोप। थाना भोगांव क्षेत्र ग्राम बनहार में खरंजे के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया, जिसमें गांव के ही दबंग नामजदों पर फायरिंग करने का आरोप है। पूरा मामला थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम बनहार का है, जहां मंगलवार को खरंजे के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाँव के ही छत्रपाल और प्रवीण पक्ष में खरंजे को लेकर विवाद हो रहा था। घायल पक्ष ने आरोप लगाते हुए कहा कि तभी प्रवीण और उसके भाई रामवीर ने तमंचे से फायरिंग कर दी, जिसमें वृद्ध खुशीराम पुत्र अग्नुलाल, भूदेवी पत्नी छत्रपाल सिंह और शिवांगी पुत्री छत्रपाल को गोली लग गई। फायरिंग से गांव में अफरा तफरी मच गई। गोली लगने से घायल खुशीराम, भूदेवी और शिवांगी को आनंद फानंद में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई। घायल पक्ष की तरफ से आरोपियों के खिलाफ तहरीर देने की बात कही गई। क्या नाम भैया आपका? छत्रपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? बनहार। थाना कौन सा पड़ता है? वो ये दो तीन लोग घायल हैं, ये इमरजेंसी भर्ती हैं। कैसे घायल हुए? अरे उसने गोली मार दी है, तभी लेटी और उसका भाई था रामदीर, दोनों लोगों। क्या वजह क्या थी? वजह कुछ नहीं थी, खड़ंजा बन रहा था, नाली आली बन रही, उसने हमारी तरफ पूछी करा दी, अपनी तरफ खाली करा दी, हम कुछ कहा ही, हमें मारने के लिए आया तब तक ये लोग सामने आ गए। कितना राउंड फायरिंग हुई होगी? तीन। काहे से फायरिंग हुई है? तमंचा से। पुलिस में शिकायत की आपने? पुलिस मैंने अभी लिखित में नहीं मतलब दी, लेकिन ऐसी हो गई, एनसीआर नहीं थी, लेकिन हो गई रिपोर्ट। हो गई मौके पर आ गई थी पुलिस? पुलिस मौके पहुंच गई, मुझे नहीं मालूम, मैं तो नहीं। सर बनार से एक मामला आया जहाँ पे तीन लोगों की गोली लगी है, सर क्या कैसी क्या कंडीशन है उनकी? कंडीशन सबकी नॉर्मल है और बिल्कुल किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं, उनका इलाज हो गया है, मेडिकल होना बाकी है, वो भी हो जाएगा और ठीक है। सर कोई सीरियस कंडीशन में जैसे रेफर वगैरह के लिए? नहीं, अभी तो फिलहाल सीरियस कंडीशन नहीं दिख रही है।